ओवैसी ने कल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में दिए गए 5 एकड़ की जमीन देने की बात पर खैरात लेने की बात कही थी। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास ने कहा है कि ओवैसी किसी के नहीं है, ना ही वह मुस्लिम का है ना ही हिंदुओं का। ओवैसी की बातों को कोई भी महत्व नहीं देता है, इसलिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र से वह सांसद जरूर हो जाते हैं, इसलिए उनके अंदर गंभीरता नहीं है। वह मात्र उनका व्यवहार ही विरोध करना है। विरोध करने का केवल एक उद्देश्यों का होना होता है कि माहौल खराब किसी तरीके से हो। इसी तरह 370 का भी विरोध ओवैसी ने किया था और अब राम जन्मभूमि का भी कर रहे हैं। विरोध उनका कोई महत्व नहीं है, केवल मुसलमानों को भड़का करके राजनीति करना ही उनका उद्देश्य है। ओवैसी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह किसी के होते हैं, न धोबी के गधा न घाट का न घर का, वैसे ओवैसी है, न मुसलमान का है न हिंदू का है और न ही है। तो वहाँ मुस्लिम क्षेत्र बाहुल्य है, किस प्रकार से वो सांसद हो जाता है, लेकिन उसकी बातों को कोई महत्व नहीं देता। ये क्योंकि जिसमें गंभीरता नहीं है, केवल उसका नेचर है कि विरोध करना, और विशेषकर विरोध करके इतना उत्तेजना पैदा करता है कि वो विरोधी उस काम करने के लिए बिल्कुल दत्तचित हो जाता है। जैसे पहले घोषणा किया लोकसभा में सुना था कि हिम्मत हो तो 370 धारा हटा के दिखाओ, मोदी नहीं उसका उत्तर दिए, चुप रहे, लेकिन 370 धारा हटा दिया। इसी प्रकार से अभी राम जन्मभूमि की कहाँ बना करके दिखाओ, इसके पहले भी घोषणा कर चुका है, दिखाओ कैसे बनाओगे, तो उसको भी बनाया गया। ऐसी स्थिति में वह, मैं यही कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के कोई महत्व नहीं है और न उनकी बातों का कोई महत्व है, वो केवल अपनी राजनीति करने के लिए और विशेषकर मुसलमानों को भड़का करके राज करने के कारण इस प्रकार की भाषा बोलता है और उस भाषा का कोई भी महत्व नहीं देता। तो ऐसे लोगों के संबंध में कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो नगण्य हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता।